है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो आज हम देखने वाले इंडियन स्ट्रीट फूड्स की रिएक्शन करने वाले हैं। हाँ। और ये मेरा छोटा भाई है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसेब और आज हम देखने वाले इंडियन फूड स्ट्रीट्स, उसका रिएक्शन करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बहुत सुना है इंडियन फूड के स्ट्रीट के बारे में कि भाई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लोग खाते हैं इसको। तो ट्राई करते हैं, हम भी देखते हैं इसका रिएक्शन करते हैं कि ये है कैसा। ठीक है, सो पहली वीडियो हमारे पास ये है, देखते हैं इसमें कि ये फूड स्ट्रीट कैसा है, देखते हैं। तो ये कुछ तेल डाल दिए, कुछ मसाला डाल दिए, फिर इसके बाद प्याज, इसके बाद टमाटर, कुछ चटनी वगैरह डाली है। तो भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त। फिर ये कुछ डाली बना रखे, छोले कुलचे बना रहे हैं। चाहे फिर ये कुछ चीज़ डाली है मेरे ख्याल से, नहीं सब देख के मुँह पानी आ गया खाने के लिए गए, लेकिन काश खा सकते। अब ये कुछ चटनी के ऊपर लगा रहे हैं, वापस प्याज थे सारे, वापस टमाटर, तेल, कुलचे डाले इसके ऊपर, फुल मसाला डाल के, धनिया वनिया डाल के मिक्स कर लिए। वीडियो तो काफी अच्छी है। अब इसको एक प्लेट में इकट्ठा किया, चटनी डाली साइड में, प्याज वगैरह, नाइस काफी वीआईपी होगा। पाकिस्तानी फूड भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन हमने सोचा इंडिया का भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के फूड के बारे में रिएक्शन भी हम जरूर करेंगे, पहले हम ये इंडिया का कर लेते हैं। इंडियन स्ट्रीट फूड कैसे होते हैं और मतलब कैसे बनाते हैं, लोग कितनी शौक से खाते हैं, मम्मी थोड़ा रिएक्शन दे देते हैं। और फिर ये दूसरी वीडियो हमारे पास ये है, बंदे ने डाला इसमें कुछ चने डाले हैं, बहुत सारे चने डाल के इन लोग को मसाला डाल दिया, मसाला डाल के उनका कुछ प्याज डाल दिए, फिर इसके बाद धनिया, फिर कुछ चटनी, इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। ठीक भाई, ऊपर चीज़ कुछ मक्खन जैसा कुछ डाला है, ऊपर अब इसको मिर्चियाँ, ऊपर से प्याज, काफ़ी अच्छे। इसके बाद तेल और फ्लावर्स, कुलचे, ये स्टफ्ड वाले कुलचे, कुलचे का बना दिए अच्छे तरीके से, ऊपर आप इस प्याज डालें, प्याज डालने के बाद क्या करेंगे, अच्छा कुलचे के अंदर अच्छे मसाला डालेंगे, फिर इसको भाई रे मायनीज, प्याज, आप धनिया, टमाटर, ऊपर मसाला डाल के बंद कर दिया, बंदा कर दिया। अब ये वाला भाई देखो, ये बना रहे हैं सैंडविच, देखते हैं। अब इसमें काटे इन्होंने मिर्ची, ऊपर प्याज डाला है, इनको अच्छी तरह से काट रहा है, फिर ये चीज़ काटी है कुछ पीसेस करके, चीज़ काट के उसको चीज़ रखी है इसके ऊपर, फिर मसाला डाले, अच्छे से मिक्स कर दिया। खाने का दिल कर रहा, लेकिन खा सकते हैं इंडिया में जाके, इंडिया में क्या है, पाकिस्तानी लोग हैं, जाना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर ये मक्खन लगाई है कुछ चीज़ के ऊपर, मक्खन नहीं चटनी लगाई है, बच्चे अच्छा वो उसके ऊपर मसाला डाला जो इसने बनाया था, नाइस। और बस केचप डाला है, इसको पैक कर दिया। मुंबई चीज़ स्वीट के सैंडविच, इंडियन स्ट्रीट फूड, इसको पे वापस मायनीज, अच्छे तरीके से कुछ डालो ऊपर, देख के खाने का दिल कर रहा है। ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बहन बन के तैयार हो गया पूरा, बंदा भी इसको खाएगा। और ये देखो भाई, इसने भी आटा लिया और इसको अभी गूंदेगा सही तरह, ये आटा अभी इसको बनाएगा, पराठे बनाएगा। हाँ, ये तेल डाला इसने, ये डाला इसको पराठा बनाया, क्या पराठा यार, खाने का दिल, इसको तो बिल्कुल खाने का दिल कर रहा। पराठे देखो, चेक करो, चलो पराठे को ऊपर डाला इसने, इसको खाने का, पराठे को मायनीज डाला, इसको चिकन डाली है, यहाँ से निकाल के खा रहे, देखिए प्याज डाला, चटनी डाली, मनीष डाला, अब इस कुछ डाला इसने, इसको पैकिंग कर दी, चेक करो, अब स्टॉप कर दी मैंने, देखो नाइस। सो गाइस, आई होप आपको हमारे जो इंडियन स्ट्रीट फूड का हमने जो रिएक्शन किया वो आपको अच्छा लगा होगा। और इंडियन फूड की हिस्ट्री के बारे में आपका क्या कहना है का बताना कमेंट्स में, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ताकि वो भी देख सके। जी ठीक है, तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।